करती, आप बस पकड़ के आओगे ना उधर से, हाँ और मतलब यहाँ से हम गाड़ी से ले जाएंगे आप लोगों को। वो तो ठीक है, दो लड़कियां हो रहा है मेरे पास में। कोई बात नहीं, आप ले आओ जितनी भी है। नहीं ये बात कर रही है, पता नहीं कौन से होटल के, एक मिनट पूछ लूँ मैं इनको, कौन सा होटल, रेड ब्लू नाम ले रही है, पता नहीं कौन सा होटल है, उनको उसमें से फोन आया है, किसी ने रेस वगैरह नाम ले रही है, उन्होंने कहा वहां पे चलेंगे, ये तो मुझे पता नहीं कहाँ पे है लेकिन नाम चलो है। कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, वो होटल नहीं है, वो ऐसे ही ढाबा खो कराया हुआ उन्होंने, ठीक है, वहां जाना है वहां चले जाओ आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास अगर आप नहीं आओगे देखो, हम तो कहीं और फोन कर लेंगे, वहां से स्टाफ आ जाएगा। और वो कुत्ता है ना जो नरेश है, उसका तो मेरे आगे तो नाम भी मत लियो, नहीं मुझे नहीं ठीक है। पता, आपको हाँ आप, इन्होंने जहाँ जाना है मर्जी, आपने मेरे पास मेरी बात सुना, हाँ आपने मैंने ये फोन बोल किया दिया मेरे था, पास, आपने ये मैंने बोल दिया कि मैंने मेरे पास पहले कॉल कर मेरे, रखी है, मेरी पहले बात हुई है, मैं उसके पास ही ठीक जाऊंगी है, क्योंकि अगर आपका मन करता है आप आ जाओ, मतलब किसी भी टाइम, अगर आपने वहां जाना है रेड ब्लू पे तो कोई दिक्कत नहीं, वहां जाओ, मैंने कोई मतलब नहीं है इस बात से। मेरे देखो पास आओगी तो पैसे आपके बनेंगे। देखो मैडम, ना तो मेरे पास में उसका कोई कांटेक्ट नंबर है, ना मैं उनको जानती हूँ, ना आपका नंबर था मेरे पास, मैंने आपके पास कॉल किया, और ये लड़कियां जानती है तो ओके, ये चली जाएगी, इनकी मर्जी है, लड़कियों का जिन क्या नाम है उनका? एक तो शायद प्रिया है, एक सुकन्या है। एक बात बताइए, अगर इन्होंने जाना है तो ये जाओ, मतलब किसी भी होटल का, किसी के सामने ये बोल रही है हम वहां जा रही, तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं आप आने, अगर आपको मन कर रहा है क्या मेरे पास आने के लिए तो आप आ जाओ, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक हाँ मैंने है। ये आप बात बोल दी आओगे, इसको, आपने आओगे, आप पैसे बनेंगे आपके बनेंगे, सुविधाएं मिलेंगी सारी आपको मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आ रहे हो तो ठीक है, वरना तो मैं कैथल से दो लड़कियां और बुला रही हूँ, यहाँ मैं नहीं तो आपकी वेट में इतनी थी। बारिश होने लग रही है, इस अगर करके मैं थोड़ा लेट हो गई, नहीं तो हाँ मैं सुबह आ जाती, सुबह ही बारिश होने लग रही थी। जो मतलब है, वो है ना रेड ब्लू वाला, हाँ वो मतलब वो इनके पास फोन कर रहा है, फिर ये उनके पास फोन कर रही है, उस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं वो बोले थे भी उस, वो आपका नाम शायद पिंकी है ना, और बोले थे अभी केस वगैरह भी हो वहां पे, रेड भी पड़ सकती है, आप यहाँ पे आ जाओ, मेरे को बोल रहे थे, मैं बोली मेरी मेरी तो बात मैं उनके साथ सुनो, बात कुछ हुई है बात मेरी। बताऊं, मेरी मेरी बात सुनो, अगर रेड पड़ेगी ना वो उठेंगे तो वो उठेंगे, मेरे पास कोई पुलिस नहीं आ सकती। एक बात बताऊं, केस मैंने उनके ऊपर कर रखा है तो रेड वहां पड़ेगी, मेरे पास नहीं पड़ेगी। मेरे पास रेड क्यों पड़ेगी जब मैंने पर्चा दर्ज करवा रखा है तो? बात आपको बता हम के चलिए डबल मेरे को, डबल पैसे देंगे, ये बोल रहे कि हम डबल एक पैसे बात बताऊं, देंगे। मेरी बात सुनो, एक बात और भी बता दूं मैं, वो कह रहा ना रेड, आप आओ ना आओ रेड, मैं बताती हूँ उसने कहाँ पढ़ती है, मैं करती हूँ अभी फोन, मैं गिरवाऊंगी वहां रेड, और मैं पूछूंगी उसने रेड कहाँ पढ़ती है कहाँ नहीं पढ़ती, पर्चा दर्ज उसके ऊपर हो रहा है, रेड उनका पड़ेगी मेरे नहीं पड़ेगी। और आज उन्होंने पता है मेरा रेड गिरवा भी दी, मेरा फिर भी पुलिस नहीं आई, क्यों नहीं आई, वजह क्या है ऐसी? मतलब मेरी मंथली वगैरह सब कुछ टाइम पे होता है, इसलिए मेरे पास नहीं आते कोई, उनके पास होती है रेड वगैरह, उनका पड़ती है मेरे नहीं पड़ती, क्योंकि जब बंदे का खुद का होता है ना कुछ वो दूसरे पर डाल देता है, भाई हाँ इसका पड़ती है। और मेरी बात सुनो, उसको एक बात और भी बता दो मैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम मुस्कान है दी। देखो मुस्कान, मैं उसको ये बात कह रही हूँ, अगर तेरी उससे थोड़ी बहुत भी बात होती हो ना तो उसको बोल दे मेरे से बच के रहेगा, बढ़िया रहेगा, वरना उसको ना मतलब दूर से पवा दूंगी मैं, जब मैं मेरे वाली पागी, मैं ऐसे बैठी हूँ चुप करके, मैंने सोचू हम हमारा काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है, अपने बच्चे पढ़ रहा है, ठीक दीदी, ना तो मेरा है कोई कांटेक्ट नंबर है उसके पास ना है मेरे ठीक पास है। है, मेरे तो ये दो लड़कियां ये बोल रही थी कि कोई नरेश और एक नाम और था बाबा वगैरह, पता नहीं क्या बोल रही थी, बोल तो रही थी जो कि पता नहीं बाबा बाबा ऐसा ही नाम बोल रही थी शायद, या तो अच्छा, कहीं में दो है वहाँ काम करते हैं, मतलब वो होटल है उसमें चलेंगे, वहाँ पे अपना पैसा भी बचेगा। मैं बोली माँ मेरी बात पहले, एक पिंकी मैडम है, माँ नरवाना से है, उसका सपा नरवाना है, मैं उसके साथ में बात हुई, उनका पिंकी, उनका हाँ पिंकी, उनका उसके पास तो रेड वगैरह भी पड़ सकती है, वो बोल रहे हैं कि
मैं मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, पहले मेरे कौन, क्योंकि पहले मेरे उसके साथ में बात हो, या मैं तो वहीं पे जाऊँ। बात बताऊँ, मेरी बात सुनो, अगर मुस्कान आपको लग रहा है कि हाँ वहाँ मेरे हस्बैंड ने सपा किया हुआ है, मैंने नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने किया हुआ, अगर वहाँ सपा में मतलब सीर है उनका दोनों का, अगर वहाँ रेड पड़ सकती है, आपको डर लग रहा है तो आप अपनी मर्जी से मतलब आप ना आना चाहो तो मत आओ, आना चाह रहे हो तो आपके अच्छे पैसे बनेंगे, आप आओ उधर, अगर नहीं आ रहे आपकी मर्जी है, लेकिन उनको एक बात जरूर बोल देना इन लड़कियों को, मैं बताती हूँ एक बार ये चली जाए उधर, मैं बताती हूँ रेड कहाँ पड़ती है। फिर ये लड़कियाँ तो, एक लड़की तो छोटी सी उम्र की ले ले, ये तकरीबन उसकी 21 के तकरीब हो गई है, तो कौन है बाबा, बाबा पता नहीं, मैं नाम तो पता नहीं जानती नहीं उसका कौन है, कच्ची सी उम्र का लड़का, मैंने वीडियो कॉल में देखा है, कोई भी है, दाढ़ी मूछ रखता है, अच्छा सुनखा, सोना सुनखा मुंडा है, पड़ी है कहाँ से दाढ़ी मूछ रखेगा, उड़ा पड़ा है वो, उसमें क्या बोला कर रहे हैं, अगर वो हॉस्पिटल में पड़ा है, पता नहीं, मैंने कई बार देखा, मैं इसके पास साथ में वीडियो कॉल करते हुए देखा होगा कोई भी, चलो ठीक है आना, आप ना आओ जब फोन कर देना हमारे पास, ठीक है दीदी, ओके दीदी, ठीक।